अब कर्म समाप्ति त्यागत्वं सुस्थिरो भव। ये मेरी प्राण रूपी जी आपको इस देह के अंदर प्रज्वलित हैं, आपके सम्मुख मैं सारी कर्म करता हूँ। दिन रात और संध्या काल में मेरे सारे कर्म आपको समर्पित हैं। आगम मार्तु दीमना गम नार्थं तु रघुसां घंटानादं प्रकोपित घंटाम प्रपूजय। आपके साथ साथ हृदय की गति रुचि घंटा आपके साथ साथ हृदय की गति रूपी घंटा सदा नाम करता है। आप प्रकाश हैं और प्रकाश का सहयोगी ये घंटा नाद दोनों का गुंजन दोनों का प्रकाश मेरे देह के अंदर है। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधितः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। और ज्योति रूप मेरे प्राण और प्राणों के प्राण श्री हरि विष्णु जो इस प्रकाश के मध्य में है, जिनके कर कमल में शंख विराजित है और ये शंख मेरी वाणी से सबका मंगल करता है। मैं श्री हरि प्रभु विष्णु जी के पावन कर कमल में शंख को नमन करता हूँ जो वाणी के रूप में कल्याण करता है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती भवानी नमः भगवती भवानी नमः भगवती भवानी नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो नमः अभिघ्नमस्तु। यदि आपकी इच्छा ना हो कोई व्यक्ति भी आपके नाम को सुन नहीं सकता, आपकी इच्छा होने पर भी भगवती की इच्छा अति आवश्यक है, अर्थात शिव और पार्वती की इच्छा से भक्त आपके नाम को सुनने आए हैं, इन सबका कल्याण हो। स्वस्ति नौ इंद्रो बृहस्तवाहा स्वस्ति नूखा विष्णु वेदाह स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टम् स्वस्तिनो बृहस्प।
पतिर दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णो लराटमसि विष्णोः त्रप्तिस्तु विष्णोः स्यूरसि विष्णुरभ्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवीत्वा अग्निर्देवता वाग्दो देवता सूयो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता विश्वेदेवास इह मा दयन्ताम्।
प्रतिष्ठा ऐसवै प्रतिष्ठा यज्ञो यक्तैतिना यज्ञिना यन्ते सर्वह्य प्रतिष्ठितं भवति कृपालु यदि सैव पावको कीदा अंकिम विधि
अलिंगम निशिकंज मुक्तये अलिंगम प्रथम प्रवीण ये महावेदों यदि सैव नैव मोक्षिताम किं विधेयम् राघव। सूर्य दर्शन के लिए भौरा उस कमल पुष्प में छिप जाए इस आशा में कि सूर्य भगवान के उदय होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगर सूर्य उदय ही ना हो तो भौरा क्या करे। राम जी बोले राम चंद्र राघव हे शंभ समुद्रव माधव ध्यायस्व भारतम तम ध्यायस्व भारतम तम भरत भूमि रेचाम भरताग्रद विकला विकला जाता विश्वक्षेम विरोक्तम व्यति विशीदतिम भारत माता गंगैव कर्मणाता भूता अभिभूत भाता ध्यायस्तम भारतम तम त्रायस्तम भारतम वयम नैतारिणाम नयन्ति कम्भुवम परिकीर्णते वेशम कामधेनुसुतामिमं गवासीनं विकलिते स्वदेशम वेश्वेवं राजेति पाप्यते सभीचिता। अर्थात सारा संसार रुक जाए, मां रुक जाए, वैद्य रुक जाए, ये चंद्रमा रुक जाए, सूर्य रुक जाए। राम जी बोले नारद तुम्हारे मन में जो कुछ उत्पन्न हुआ वह योग माया के द्वारा हुआ। योग माया भक्ति से युक्त होकर सारे सृष्टि का मंगल करने के लिए बार बार अवतार लेती है और सबका मंगल करती है। हर नारी में सीता मिले हर नारी में सीता मिले हर नारी में सीता मिले हर नारी में सीता मिले। ये योग माया सीता के रूप में अवतार लेकर राम जी भगवती सीता की महिमा बता रहे हैं। भगवती जो सृष्टि की माता है वह धरती की पुत्री बनकर सारे सृष्टि का मंगल करने के लिए सीता बन गई और संसार की सारी नारियों की रक्षा के लिए ये परम मंत्र दिया। हंसानने बगत तिष्ठति सुर गर्भी करी आहलते भुंगते भवि राजभो हा कुर्टा कुरंग आहलते क्राव्यां प्रदेवं शांति भ्रांतं हतात कांति ध्यायस्तं भारतं त्वं त्रायस्तं भारतं त्वं। भगवती सीता ने जो सृष्टि की माता है सृष्टि की स्वामी है सारी नारियों को बल देने के लिए स्वयं अवतार लिया और ये बल भरा। जो नारी अपने सचित पर स्थित है उसका अहित सृष्टि में कोई नहीं कर सकता क्योंकि नारी नारायणी नारी नारायणी नारी नारायणी। राम जी बोले नारी नारायणी नारी नारायणी नारी नारायणी नारी नारायणी नारी नारायणी। और हर नारी के अंदर भगवती सीता छिपी हुई है। अपनी अपनी माता का ध्यान करके हम सब बोले प्रथम
शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं सब विमुख होने के बाद ही कल्याण होगा, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु मातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः नमस्तस्तै 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 नमो नमः। सिंह के सामने छोटा बच्चा आ जाए और उसकी माँ खड़ी हो तो सिंह शेर पीछे हटेगा और माँ उस सिंह को मार देगी। या देवी सर्वभूतेषु मातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः नमस्तस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः नमस्तस्तै 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 नमो नमः। सारी सृष्टि विमुख हो जाए, किंतु यदि अपनी माँ सामने है तो विधाता के रूटे पर भी, भगवान के रूटे पर भी, सारे संसार के रूटे पर भी उसकी रक्षा होगी। या देवी सर्वभूतेषु मुख में बैठी हुई है, मृत्यु के मुख में होने पर भी
माँ को चिंता होती है मेरे बच्चे ने अभी भोजन किया या नहीं किया, स्वयं प्राण जाने वाले हैं, किंतु उसको चिंता है कि मेरे बच्चे ने भोजन किया या नहीं किया। या देवी सर्वभूतेषु मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, किंतु घर में वो पत्थर की मूर्ति वाली साक्षात है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मा जी ने भाग को खा दिखा हो, देवताएं सब देवता विपरीत हो, किंतु माने वाणी से जो बोल दिया उसको विधाता के बस की भी बात नहीं है कि मिटा सके। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु माति रूपेण संस्थिता माति रूपेण संस्थिता नारद शिव और पार्वती ने लीला करके यही तो ज्ञान दिया। गणेश जी के रूप में सारी सृष्टि को, सब देवताओं को, सबको ये ज्ञान दिया कि अपने माता के लिए सिर को भी कटा दो। गणेश जी ने अपना सिर स्वयं कटवाया और गणेश जी ईश्वर हैं, उस ईश्वर ने सबको ज्ञान देने के लिए कि माँ ही भगवान है, पिता से भी पूर्व माँ है, माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति श्री गणेश जी ने दी, इसलिए वो प्रथम पुत्री हो गए। गजाननम भूत गणाधिसेवितम् गजाननम भूत गणाधिसेवितम् गजाननम भूत गणाधिसेवितम् गजाननम भूत गणाधिसेवितम् कपित जंबु फल चारु भक्षणम् कपित जंबु फल भक्षणम् उमासुतम् चोर विनाशकारकम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् पिता से भी बड़ी माँ है नारी नारायणी 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 नारी नारायणी।
Thank you.
Oh,
श्री महाराज जी की जय। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय। कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, सच्ची सच्ची बोलना हम जो पूछे बात। राधा रानी हमें बता दे राधे राधे हरे 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 ह
एक भी गया बहुजनान आरजवा त्रिलोक लोक पावना मुंड विचित भावना रघुत्तमत कीर्तन त्रिताप पाप किंतनम। अर्थात सभी धामों में मुकुट मणि साकेत धाम में विराजमान कनक भवन में अपनी आदि शक्ति योग माया भगवती सीता जी के द्वारा भक्ति पूर्वक विराजित काम योगी भी कामदेव अर्थात सुंदर से भी सुंदरतम आनंद कंद श्री सीताराम जहां विराजमान है उस धरती को नमन। राम भद्र Thank you.
करुणावतारम सितम